नमस्ते, नी टाइम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के गर्मा गर्म पकौड़े। आलू के पकौड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और यह जल्द ही बन जाते हैं। बच्चों को तो यह बेहद ही पसंद होते हैं। अगर कोई मेहमान अचानक आपके आ जाते हैं तो इनसे बेटर नाश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता है, जो जल्दी भी बन जाए और खाने में बहुत स्वादिष्ट भी लगे। और वैसे भी बारिश हो या ठंड के दिन पकौड़े हमेशा डिमांड में ही रहते हैं। तो आइए हम बनाते हैं आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। यहाँ हमने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और उन्हें ऊपर से छील कर पतला पतला काट लिया है। इन्हें हमने पतला इसीलिए काटा है जिससे कि हम जब इन्हें तलेंगे तो तलने में यहाँ अच्छे से कुरकुरे हो जाए, अंदर से पक जाए, यहाँ कच्चे ना रहे। अगर हम मोटा काटेंगे तो कच्चे रहने का डर रहेगा। फिर हमें चाहिए 1 कप बेसन, पानी आवश्यकता अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, और जब हमारे आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे तो ऊपर से छिड़कने के लिए चाट मसाला, तलने के लिए तेल। तो आइए अब हम स्वादिष्ट और सरल आलू के पकोड़े बनाने की शुरुआत करें। सबसे पहले हम एक बर्तन में बेसन का गाढ़ा घोल बनाएंगे। हम इसमें धीरे धीरे कर पानी डालेंगे जिससे कि हमारा घोल गाढ़ा ही रहे, पतला ना रहे। हम ध्यान देंगे कि इसमें लम्स ना पड़े। देखिए, हम बेसन की कंसिस्टेंसी इस तरीके की रखेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया है और आलू भी हमने पानी से धो लिए हैं और अब हम तलने के लिए तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे। हमारा तेल मीडियम गर्म हो चुका है, हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और आलू को हम अच्छे से बेसन में लपटेंगे और लपेटने के बाद उसको धीरे धीरे डालेंगे। आलू को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और इसे धीमी धीमी आंच पर हम होने देंगे। हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हमें तलते समय इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि हमारे पकोड़े ज़्यादा गुलाबी ना हो और अंदर से कच्चे भी ना हो। अब हम इसे बीच में एक दो बार पलट देंगे। हमने इसमें ना तो लाल मिर्च का उपयोग किया है ना हरी मिर्च का, तो इसीलिए जब हम इस पे चाट मसाला डालेंगे तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। देखिए, अब हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखकर निकाल लेंगे जिससे कि इसका अतिरिक्त तेल निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम सारे पकोड़े तल लेंगे। अब हमारे यहाँ गर्मा गर्म और स्वादिष्ट आलू के पकोड़े बनकर तैयार है। आइए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालें। अब हम इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। अब आप इन गर्मा गर्म आलू के पकोड़ों को टोमेटो सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व करें। यह टोमेटो सॉस
और हरी चटनी हमने घर में बनाई है। अगर आप इन्हें घर में बनाना चाहते हैं तो आप मेरे इनके वीडियो देख सकते हैं। अब आप इन्हें गर्मा गर्म बनाइए और इसका लुफ्त उठाएं। अब आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टैब पर क्लिक करें। थैंक यू।